मैं कांचन ठोंगरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ पहला प्रोडक्ट स्किन फॉर्मूला 9 के ब्रांड का। प्रोडक्ट का नाम है, ये है प्रोडक्ट ब्राइटनिंग क्रीम। ये ऐसे आपको दिखेगा, ओके। बहुत ही बेहतरीन स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग क्रीम। तो चलो आइए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम ही है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, तो ये क्या प्रोडक्ट है? ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट है, ओके। तो ट्रीटमेंट यानी कि उसका क्या क्या फायदा, कहाँ कहाँ पे फायदा है वो हम जान लेंगे। पहले तो जानते हैं कि इसका पूरा नाम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट मल्टी एक्शन रेडियंस इंड्यूसिंग क्रीम फॉर डल एंड अनइवन स्किन। तो प्रोडक्ट क्या बताता है हमें? डल एंड अनइवन। डल मीन्स जो स्किन से जान चली गई हो, जिस चेहरों को आप देखते हो तो आपको वहां पे कहीं तो मायूसी, उदासी और उसकी स्किन जो है वो कहीं तो आपको डल लगती हो, या अगर आप चेहरा नजदीक से ठीक से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैच आया है, यहाँ पे पैच आया है, यहाँ पे हम गोरे हैं लेकिन यहाँ पे हम पैच आ गया है, या हम पहले अगर बहुत पुराने फोटो निकालते हैं हम तो हमें देखता दिखाई देता है कि जब हम यंग थे तो हमारा चेहरा जो है वो एक जैसा दिखता था, पैची नहीं दिखता था। तो उसे कहते हैं अनइवन स्किन टोन, कि जो एक जैसा नहीं है, कहीं पे तो फेड है, कहीं तो डार्क है, और दूसरा वो चेहरे से जान चली गई है। जान चली गई है मानो वो स्किन जो है वो हमें फ्रेश नहीं लगती है, और खुद को भी हमें फ्रेश नहीं लगता है। तो ऐसे स्किन को हम कहेंगे डल एंड अनइवन स्किन। ये डल एंड अनइवन स्किन में रेडियंस, रेडियंस माने मल्टी एक्शन मीन्स बहुत तरीके से हम उस स्किन में जान डालने का ये क्रीम है, और ये रेडियंस पैदा करेगा। रेडियंस माने वो स्किन को ग्लो भी आएगा, वो डलनेस भी चला जाएगा और स्किन आपकी एक जैसी दिखने लगेगी। क्या सबको पसंद है ऐसी स्किन? तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने प्लान दिखाते हो, बाहर जाते हो तो खुद के लिए ये प्रोडक्ट परचेस करना है, ना कि सिर्फ लोगों को ये शेयर करना है। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या क्या काम करेगा। रेडियंस को, ग्लो को इंड्यूस करेगा, मींस हमारे स्किन में वो ग्लो वापस लाएगा, इंड्यूस करेगा ये क्रीम। मल्टी एक्शन, बहुत तरीके से काम करेगा, और करेक्टिव एक्शन लेगा, जैसे पैची स्किन है तो एक जैसा करने का करेक्टिव मेजर लेगा, ओके। और दूसरे, लेडीज हो या जेंट्स हो, जैसे फेस पे दिखते हैं ऐसा हमारा कलर नहीं रहता है। अगर हम जो कपड़े पहनते हैं तो अगर हम कांधे पे अगर अंदर का स्किन का कलर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्किन से हमारी अंदर वाली ये जो स्किन है वो और भी अच्छी है, उसका कलर और भी अच्छा है। तो वो जो कलर है वो कलर वापस दिलाने का ये क्रीम काम करता है। मीन्स आपको कहीं पे गोरा करने का क्लेम नहीं है, यहाँ पे हमें क्लेम करते हैं कि जो लेडीज ब्लाउज पहनती है, जीन्स जो अंदर बनियान पहनते हैं, वहां पे जो उनका कलर रहता है वो उनके एक्चुअल स्किन का कलर रहता है, लेकिन ओवर द पीरियड जो हम काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पोल्यूशन में जा रहे हैं, उसी की वजह से वो जो स्किन का कलर है वो पूरा बदल गया है, या पूरा का पूरा फेस टैन हो गया है, ओके। तो यहाँ पे वो कलर वापस मिलने का चांस हमें ये ब्राइटनिंग क्रीम दिला के देता है। तो यहाँ पे हम करें, क्या होता है इसमें, ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो स्टेम सेल ब्लेंड, स्टेम सेल का ब्लेंड इसमें यूज किया है, उसका नाम है क्लारी प्योर, क्लारी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड। ये क्या करता है?
स्किन का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। मीन्स जितने भी शरीर में हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं, जैसे बॉडी के टॉक्सिन्स के लिए हम क्या करते हैं, फुट पैच यूज करते हैं या टॉक्स क्लीन यूज करते हैं, वैसे ही हमारी स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम ये स्टेम सेल ब्लेंड, क्लैरी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड स्किन का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कराने का काम करता है। दूसरा, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट नाम का इसमें प्रोडक्ट है। थोड़ा सा मैं मेरी नोट्स का भी सहारा लूंगी, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट आप बॉक्स से निकालते हो तो उसमें एक छोटा सा पेपर आता है, अगर वो आप पढ़ सको, या ऐसे वाले, देखो ये मैंने स्कैनिंग करके ये पेज निकाले हैं और बाद में इसके प्रिंट आउट लिए हैं। तो मैंने क्या सहारा लिया है कि जो हमारे प्रोडक्ट के साथ जो पैम्पलेट आया है, वो पैम्पलेट जो है उसी से इंफॉर्मेशन ली है। मिस ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो थोड़ा सा मैं ये इसका सहारा लूंगी। क्लैरी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड क्या करता है, तो आपके चेहरे पे जो फ्री रेडिकल के वजह से डैमेज होता है, वो डैमेज को उसके साथ फाइट करने का काम, एफिशिएंटली फाइट करने का काम ये क्लैरी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड करता है। दूसरा, हमारे ये ऊपर की स्किन है उसमें मेलानिन का फॉर्मेशन होता है, वो मेलानिन फॉर्मेशन अगर ज्यादा होता है तो कलर हमारा डार्क होता है, तो ये क्या करता है कि ये मेलानिन फॉर्मेशन को रिड्यूस कराने का काम करता है, और रिड्यूस कराने की वजह से आपकी स्किन उजली होती है या उजाला देती है, या स्किन को अच्छा कलर, मिस वो जो डार्क कलर है वो फेड कराने का काम ये बेसिकली करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तरीके का डैमेज प्रोटीन रहता है, डैमेज प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ डैमेज प्रोटीन्स, ये जो है ये स्टेम सेल ब्लेंड क्या करता है उसको ब्रेक कराता है, फ्री रेडिकल से फाइट करने का काम करता है, और आपके स्किन को उजाला देने का काम ये जो है ये एजेंट करता है या ये इंग्रेडिएंट करता है। दूसरा है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। तो डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या करता है, तो जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, देखो ये फोटो में आपको दिखेगा कि ये पिगमेंटेशन है, जैसे वांग बोलते हैं या हिंदी में कुछ तो उसको बहुत ही अलग वर्ड है, तो ये पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन है, इसको क्या कराने का, कम कराने का काम करता है। दूसरा, फ्रेकल्स, जो लोग बहुत ही ज्यादा गोरे होते हैं, ये गोरे लोगों को क्या कराता है, उनके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट आते हैं, उसे फ्रेकल्स कहते हैं, ये फ्रेकल्स को रिड्यूस फेड कराने का काम करता है, और जो एज स्पॉट्स रहते हैं वो स्पॉट्स को भी लाइट कराने का काम डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट कराता है। तीसरा जो है नार्सिसस फ्लावर वैक्स, ये जो घटक है ये क्या कराता है, आपके स्किन को कंडीशनिंग कराने का ये टॉनिक है, ये जो इंग्रेडिएंट है, तो ये क्या कराता है, स्किन को कंडीशनिंग कराता है, जैसे बालों को कंडीशनिंग कराते हैं वैसे स्किन को कंडीशनिंग, मिस स्किन को तक, मिस एक प्रकार का बोलते हैं ना शाइन, जो शाइन आती है, ग्लो आता है, वो सारा कंडीशनिंग कराने का काम करता है। और दूसरा, तो जैसे सूजन आती है, अगर कहाँ कहाँ पे अगर हमारा उम्र बढ़ता है तो क्या होता है कि सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराने का, कम कराने का काम करता है। उसी के साथ जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे चेहरे पे रेडनेस आता है, ये रेडनेस को कम कराने का काम नार्सिसस फ्लावर वैक्स जो है ये इंग्रेडिएंट करता है। और इसके बाद है विटामिन B3, ये विटामिन B3 क्या करता है, तो मल्टी फंक्शनल एक्टिव
इट इज अ मल्टीफंक्शनल एंड एक्टिव दैट स्ट्रेंथन्स द स्किन बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू बैरियर डैमेज. मीन्स देखो ये आपके स्किन को हाइड्रेशन जो है, जो आपके स्किन की जो नमी है वो नमी को बनाए रखता है, मॉइस्चर को इंटैक्ट रखने का काम करता है. अगर आपके स्किन में मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगी, तो क्या होगा, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन सांस ले पाएगी और हाइड्रेटेड रहेगी. और उसी के वजह से क्या होगा कि ये स्किन को डैमेज करता है, उसी के बीच में एक बैरियर, एक वॉल को खड़ा कराने का काम विटामिन B3 से होता है. तो वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है. ओके, वो स्किन को डैमेज नहीं कराता है. ये क्रीम में जो B3 विटामिन है ये एक बैरियर को खड़ा करता है. ओके, दूसरा तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एज स्पॉट, जो एज स्पॉट्स आते हैं उसका रिडक्शन कराने का काम ये करता है. दूसरा येलोइंग, मिस जो पीलापन आता है या ब्लॉची स्पॉट्स आते हैं इसको कम कराने का काम करता है. एक्ने, जिनको एक्ने आता है, मिस पिंपल्स आते हैं उनको, उसी के ऊपर भी फाइट कराने का काम विटामिन B3 करता है. और एक्ने का रिडक्शन भी कराता है, एक्ने को कम कराता है. इसी के साथ जो सूजन आती है उसको भी कम कराने का काम विटामिन B3 किसमें करता है, तो ब्राइटनिंग क्रीम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो है, और ये जो क्रीम है इसमें करता है. अभी इसे यहाँ पे कैसे यूज करना है, ओके, इसे कैसे यूज करना है हम देखते हैं. एक तो ये ऑल टाइप स्किन के लिए चलता है, जैसे ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, जो लोग बोलते हैं सेंसिटिव है, ऐसा कोई टॉय नहीं है फिर भी सेंसिटिव है, वो सारे ऑल स्किन टाइप्स को चलेगा. दिन में 2 बार एटलीस्ट यूज करना है, ट्वाइस अ डेली. तीसरा कैसे यूज करना है, तो अपवर्ड एंड सर्कुलर मोशन. अगर ये जो क्रीम फिंगर टिप्स पे लेना है, पाम पे लेना नहीं है, पाम में आपके हाथों में गर्मी रहती है, तो फिंगर टिप्स लेना है फिंगर पे, बाद में ये सर्कुलर मोशन से लगाना है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है. जेंट्स ने लगाना है, लेडीज ने लगाना है. इसी के साथ कैसे करना है, पहले तो चेहरे को अच्छी तरीके से धोना है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, फिर भी आप डीप क्लींजिंग, ये जो डीप क्लींजिंग ऑयल है इससे चेहरा धो सकते हो. इससे चेहरा कैसे धोना है, इससे एक बूंद लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 स्पॉट्स देने हैं, ड्राई फेस पे मसाज करना है, ये ऑयल को आपके स्किन में डालना है, बाद में फिंगर टिप्स पे पानी लेना है, वापस आपको इसको मसाज करना है, धोना है. एक तो ये क्लींजर है, डीप क्लींजिंग ऑयल जो है इससे चेहरा धोना है, उसके बाद पोंछना है और उसके ऊपर आपको ब्राइटनिंग क्रीम लगाना है. ओके, और ये ब्राइटनिंग क्रीम के बाद अगर सुबह यूज करते हैं तो सुबह आपको फेयरनेस क्रीम, ये एज अ डे क्रीम लगाना है. और यही सारा आप रात को यूज करते हो तो एंटी एजिंग नाइट क्रीम उसके ऊपर लगाना है. मीन्स आपको क्लेंजर या टोनर से चेहरे को धोना है या आपको फेस वॉश से चेहरे को धोना है या डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरे को धोना है और उसके बाद आपको ब्राइटनिंग क्रीम लगाना है. और अगर सुबह में लगाते हैं तो उसके ऊपर डे क्रीम लगाइए. और ये जब रात को लगाते हैं ये सारा फॉलो करके, तो उसके बाद नाइट क्रीम लगाइए. तो इसी तरीके से आपको ये पूरा करना है. और ये लगाने के बाद 2-5 मिनट के लिए आपको रुकना है. आपको रुकने के बाद डे क्रीम अप्लाई करना है, इमीडिएट अप्लाई नहीं करना है. वो उसके बाद ब्राइटनिंग क्रीम लगाने के बाद उसको एब्सॉर्ब होने देना है, थोड़े वक्त के लिए रुकना है आपको. ओके, तो मुझे लगता है कि ब्राइटनिंग क्रीम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अभी मैं आपको आपके साथ बात करूंगी ये 3 फोटो के बारे में. यहाँ पे लिखा है पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन में आपको क्या क्या यूज करना है.
आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर मीन्स सन डिफेंस क्रीम का भी यूज करना है। अगर आपने यहां पे डीप क्लींसिंग ऑयल जो है इससे आपको चेहरा धोना है, ये ऑयल टाइप स्किन के लिए चलता है, नहीं तो आपको आपके पास क्लेंजर टोनर है और आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्लेंजर टोनर से फेस धोना है, या आपके पास डीप क्लेंजिंग ऑयल नहीं है तो आपने ये नीम एंड कैरेट के फेस वॉश से चेहरा धोना है। लेकिन ये दोनों के बजाय आप डीप क्लींसिंग ऑयल का भी यूज चेहरा धोने के लिए कर सकते हो, और उसी के बाद आपको ब्राइटनिंग क्रीम लगाना है, और ब्राइटनिंग क्रीम के बाद आपको एक डे क्रीम या नाइट क्रीम यूज करना है। डे क्रीम और नाइट क्रीम आप ये यूज कर सकते हैं, एंटी एजिंग नाइट क्रीम और फेयरनेस क्रीम। इसी के साथ आपको पेट में से आपको आयरन फॉलिक लेना है और एलोवेरा लेना है। ये एलोवेरा आपके स्किन को ब्यूटीफुल कराता है, तो ये पिगमेंटेशन का पूरा पैकेज है, ये आप यूज कर सकते हो। दूसरा है हार्मोनल स्पॉट्स। हार्मोनल स्पॉट्स के लिए सन डिफेंस, नीम कैरेट वाला फेस वॉश, क्लेंजर, टोनर एंड ब्राइटनिंग क्रीम, और इसी के साथ आयरन फोलिक, एलोवेरा और नोनी का यूज आप कर सकते हो हार्मोनल स्पॉट्स के लिए। नोनी लेना यहाँ पे जरूरी है आपको। यहाँ पे आते हैं रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, फेस वॉश या आपको क्लेंजर टोनर या आपको डीप क्लींसिंग ऑयल यूज करना है, उसी के साथ ब्राइटनिंग क्रीम, और यहाँ पे आपको रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए गैनोडर्मा का यूज करना है, स्पिरुलिना लेनी है और एलोवेरा लेना है। ये तीनों प्रोडक्ट आपको पेट में से लेने हैं। तो ये हो गया रिंकल्स फाइन लाइन का कॉम्बिनेशन, पिगमेंटेशन का और हार्मोनल स्पॉट का। तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हुए रहेंगे।